नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह दतिगांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। तभी कुछ कांग्रेसियों ने दतिगांव वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दतिगांव बदनावर के ग्राम काछी बडोडा में विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम में गए थे। तभी बड़ी संख्या में दतिगांव का काफिला निकल रहा था। तभी कुछ लोगों ने विरोध चालू कर दिया, जिसमें दतिगांव वापस जाओ के जोर जोर से नारे लगाने लग गए। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बदनावर से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की तो वे भी बागी विधायकों के साथ बेंगलुरु पहुंच गए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके क्षेत्र के कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मेरे एवं मेरे साथियों द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने वाले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का ग्राम काछी बड़ौदा में जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। दत्तीगांव वापस जाओ के नारे लगाए गए। दत्तीगांव होश में आओ के नारे लगाए गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या करी है, ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया जाए यह हम लोगों को कदापि मंजूर नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने उनका दत्तीगांव गो बैक का नारे लगाकर उनका विरोध किया। और मैं समस्त विधानसभाओं जहां पे भी लोकतंत्र की हत्या इन लोगों द्वारा करी गई है, उन सभी से अपील करता हूं कि ये लोग जहां भी जिस भी गांव में आए, इनका आप वापस जाओ का नारे लगाकर इनका विरोध करें और कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करें। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।